हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक मॉक टेस्ट में मैथ के पार्ट का सोल्यूशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए कपल इज 29 ईयर्स। अगर दो लोगों का एवरेज 29 है तो हम कह सकते हैं कि उनका दोनों का सम कितना होगा, 29 इंटू 2 58 होगा। ठीक है, दोनों का सम कितना है, 58 है। आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली ए बॉय एंड ए गर्ल इज बॉर्न, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द 8 ईयर्स। देखो, अगर हम आफ्टर 8 ईयर्स की बात करें तो इसमें जो मदर और फादर हैं उन दोनों की एज 8-8 से इंक्रीज हुई होगी, तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साल के बाद बेटे का जन्म हुआ था तो बेटे की एज कितनी, 6 साल है। और 4 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ तो उसकी एज कितनी है, 4 साल है। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 4। देखो, 58 प्लस 6 अगर इनको ऐड करें 64, 64 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा आपका, 84 डिवाइड बाय 4। 84 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 21 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्लेश वाज कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन इन विच द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन केम टू 82 व्हाइल द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 77। पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो 77 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, एक सेकंड, 385 होगा। और उसके बाद लास्ट 5 नंबर के अगर हम एवरेज की बात करें तो वो कितना होगा, 78 इंटू 5। देखो, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनता है, 400, और माइनस 10 करेंगे तो 390। तो 5 ये कितना हो जाएगा, 17 कैरी 1 और ये 775। बट अगर मैं फर्स्ट 11 नंबर्स की बात करूं तो उनका एवरेज क्या था आपका, 82 था। तो 2 10 9 मतलब 902 में से अगर 775 माइनस करें तो जो हमारा एक बीच का जो नंबर बचा हुआ था वो नंबर हमारा आ जाएगा, और वो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 127। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुमन वाज डबल द एज ऑफ करीना 10 इयर्स एगो। के 10 साल पहले जो सुमन की एज है वो करीना की एज से कितना है, डबल, तो 1:2 आ गया। रेशो प्रेजेंट एज ऑफ करीना एंड सुमन इज 3:5, और जो प्रेजेंट की एज है उसका रेशियो क्या है, 3:5 है। व्हाट विल बी द करीना इज 5 इयर्स आफ्टर, तो 5 साल के बाद। देखो, ये डिफरेंस कितना 1 और ये डिफरेंस कितना 2, तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये डिफरेंस 1 का था और ये डिफरेंस क्या था, 2 का, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 4:2, और ये क्या हो जाएगा, 3:5। देखो, यहां से 1 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 2 का डिफरेंस आ रहा है, एक सेकंड, 4:2, कुछ उल्टा लिख दिया शायद ऊपर, एक सेकंड, हाँ ये करीना टू सुमन था ना, हमने रेशियो उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, हमने यहाँ रेशियो उल्टा ले लिया है। हमारे पास पहले तो रेशियो किसका था, सुमन और करीना का, वो था डबल, और ये कितना है, 5:3। अब देखो, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4:2, और ये कितना है, 5:3। अब 1 यूनिट के डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, तो ये कितना है, 50, और ये 30। तो उसने पूछा था करीना की एज आफ्टर 5 इयर्स, 30 प्लस 5 35, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, अमन एक्सपेंस इज 30% मोर देन विमल, अमन और विमल, एंड विमल एक्सपेंस इज 10% लेस देन रमन। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंस इज 6447, देन व्हाट विल बी द अमन। देखो, अगर हम कहें कि रमन का 100 है, अगर रमन का एक्सपेंस 100 है तो जो आपका विमल है उसका 10% लेस है, मतलब 90 है। ठीक है, और अमन का एक्सपेंस 30% ज्यादा, इसका 30% कितना होता है, 27 होगा, तो ये 117 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, देखो अगर ये भी 100 होता, 200 300 और 307 आ जाएगा, ये टोटल 307 की वैल्यू क्या है आपकी, 6447 है। किसकी वैल्यू है, 6447 की वैल्यू है। तो ये सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेगा 2 के ऊपर,
ठीक है, ये 614 बन जाएगा, उसके बाद ये बनेगा 1, 1 के ऊपर डिवाइड करेगा। तो रमन का शेयर पूछा था, तो इंटू 21 करोगे तो 2100 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एक्सपेंस ऑन फ्लोर पल्सेस एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 13, 14 एंड 6। इफ द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, देखो ये 13 है, ये 14 है और ये 6 है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सबके पीछे ना एक एक जीरो लगा देते हैं, सबके पीछे क्या करते हैं एक एक जीरो लगा देते हैं। उसके बाद देखो ये कितना इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ 20% से, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना होगा, 26 होगा। ये 25% मतलब इसका चौथा हिस्सा, और इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 1/4 कितना होगा, 35 होगा। और फिर 60 का भी 60% मतलब 36, 60 का भी 60% मतलब 36, ठीक है। अब अगर बात करें, देखो ये कितना हो जाएगा, 71 प्लस 26 मतलब 97 का टोटल इंक्रीज हुआ। अगर ये बात करें कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका 330 into 100, ठीक है, 330 into 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको अप्रोक्सी डिवाइड करते हैं, ये 3 पे डिवाइड करेगा और ये 9 पे, तो अप्रोक्स में आ जाएगा आपका ये 30% इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, सम ऑफ सीपीज ऑफ टू काउ इज 39,000, दो गायों का की जो कीमत है वो 39,000 है। बोथ द काउज वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% and 40% विद देयर एसपी बीइंग द सेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीपी। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होती है, 2/5, कि ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा, और हमें तो सीपी को सेम रखना था, सॉरी एसपी को सेम रखना था, तो ये 7 से और ये 6 से मल्टीप्लाई, ये 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 42, ये कितना हो जाएगा, 30 और ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम बात करें ये टोटल कितना बना, 65, और 65 की वैल्यू क्या है, 39,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 65, और हमें तो डिफरेंस 5 यूनिट कैलकुलेट करना है, इनके बीच का डिफरेंस 13 पे डिवाइड करेगा और 13 इसको 3000 पे, तो 3000 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 years इज 4100 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years इज 6000। देखो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6000 रुपए, तो 1 साल के लिए कितना होगा, 2000 होगा, दूसरे साल में भी कितना रहा होगा, 2000, और ये डिफरेंस कितने का था, 100 का था। देखो इसके ऊपर कैलकुलेट करो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि 5% है, और ये प्रिंसिपल का 5% है, ठीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल का 5% है तो 10% 4000 हो जाएगा, और 100% क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। बिना पेन पेपर के क्वेश्चन है ये सब। क्या कह रहे हैं, 10 carpenters वर्किंग 4 hours a day कैन मेक 320 chairs इन 200 days। 10 carpenter हैं, ठीक है, ये 4 hours a day काम करते हैं, और 200 days में आपकी कितनी चेयर बनाते हैं, 320 chairs बनाते हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ चेयर अप्रोक्सीमेट, मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होने वाले नंबर जो उसने दिए हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि 16 carpenter 32 days में अगर 6 hours per day काम करें तो कितनी नंबर ऑफ चेयर बनाएंगे, तो हम कहते हैं कि चलो ये एक्स आ गया, ठीक है, डिवाइड करें जीरो से, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर 8 से डिवाइड करें, इसको 2 पे डिवाइड कर देगा, और 8 से डिवाइड करते हैं तो इसको ये 25 पे डिवाइड कर देगा, ठीक है। 4 इस 12 को 3 पे डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 32 into 32 into 3 डिवाइड बाय 25। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1024 को 3 से, तो 3072 डिवाइड बाय 25। पहले 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है, 57, फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर 7 to 2, 73, अप्रोक्स
123 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 123। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन एज यू देर आर रैबिट्स एंड पिगन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देर आर 340 हेड्स एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 1060। देखो अगर हम कहें कि सभी के सभी जो आपके जानवर हैं वो आपके रैबिट्स हैं, ठीक है, तो मतलब इनके नंबर ऑफ लेग्स क्या हो जाएंगे, जीरो, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 1360, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 8 और 6, और ये कितना है आपका 1060 है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 1060, इसमें हम एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। देखो ये कितना आ जाएगा 0, ये तो साफ साफ आपका आ गया 300 आ गया, अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो 300 आ चुका है, ठीक है, और इधर से अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमें 1060 में से 680 माइनस करना है, तो 0, 8, 3, 380, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 19:15, मतलब 190 और 150, तो उसने पूछा था पिगन्स, तो 150 पिगन्स कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ए डॉग थ्री लिप्स, ये 3 और 5 लिखो इसको, ठीक है, उसके बाद ये 1 और 3 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9:5 इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी सी जॉइंटली एग्रीड इन ए बिजनेस, इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट 6500 फॉर 6 मंथ, बी 8400 फॉर 5 मंथ्स एंड सी 10,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी में गया, ए वांट्स टू बी वर्किंग पार्टनर एंड वाज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट अर्न वाज 74,000, तो सी का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले तो ये क्या करो, इनका रेशियो बना लो, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ गया। उसके बाद अगर ये 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो ये इसको पूरा पूरा 14 पे डिवाइड करेगा और ये 60 है पूरा, और ये 6 इसको 10 पे डिवाइड कर देगा, तो रेशियो तो क्या आ गया, 13:14:10। देखो 7400 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तीनों में जो डिवाइड होगा वो सिर्फ 95% डिवाइड होगा, सी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, कितने में से इनको ऐड करो तो 37। देखो 20 से 20 कैंसिल, ये इसको 2 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 1900 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 1900 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, टू ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली, प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आर एंड 21 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टली, व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 70 किलोमीटर मोर देन द अदर। देखो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से ज्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रैवल किया, क्योंकि इनकी स्पीड में डिफरेंस था, कितने का, 7 का, तो मतलब उन्होंने 10 घंटे तक एक साथ ट्रैवल किया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, तो 35 × 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 350 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना था, 350 किलोमीटर। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 720 एंड वन नंबर इज दिस अदर नंबर। देखो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये इसको 4 पे डिवाइड करेगा तो 6 × 4 = 240, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, के पहले ये 4 था तो 5 हो गया, उसने एरिया का इंक्रीज पूछा, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 16 से 25 कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है 16 के ऊपर इंटू 100, ठीक है, 425, तो ये आता है आपका 225 डिवाइड बाय 4, पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 पे डिवाइड करेगा 25, फिर 6 पे डिवाइड करेगा तो 56.25, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ रूम, इफ द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड इट्स विड्थ बाय 20, कि अगर विड्थ एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20 हो जाएगी, द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स अनचेंज व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 बट द विड्थ इंक्रीज बाय 5, ठीक है। अगर हम
व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10, अगर इसको 10 से इंक्रीज कर दें और इसको 5 से इंक्रीज कर दें, द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो उसका फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, और इधर से अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अगर इसको 5 से इंक्रीज करते हैं, एक सेकेंड, लेंथ इंक्रीज बाय 10, तो ये एक्स प्लस 30 होगा, तो नहीं कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 20 मीटर, द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स अनअलर्टेड, अनचेंज रहता है व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ इंक्रीज बाय 5। अगर पहले वाले केस में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x होगा यहां से, तो और अगर हम दोनों को इंक्रीज करते हैं तो एरिया तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो इसमें एक सेकंड स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर लें, कुछ एरर तो नहीं इसमें, क्योंकि इसमें अगर दोनों को इंक्रीज करेंगे तो एरिया तो इंक्रीज होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एरिया इंक्रीज ना हो, फिर क्वेश्चन नंबर क्या है ये, चलो लास्ट क्वेश्चन ही है, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट में टाइपिंग वो है, क्योंकि ये जो लेंथ 10% इंक्रीज की गई है ये विड्थ के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज की गई है, तो मतलब जो हम इक्वेशन पहले बना रहे थे कि ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 5, क्योंकि अगर ये एक्स प्लस 20 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा तो फिर तो एरिया कॉन्स्टेंट रह ही नहीं सकता आपका, ठीक है, तो एक्स प्लस 5 ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50, अब दोनों को इक्वल रखते हैं, अगर दोनों को इक्वल रखेंगे देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 15 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो अगर विड्थ 10 है तो ये क्या हो जाएगी 30, तो 30 इंटू 10 300 हो जाएगा, ठीक है, जो ये 10 और 5 इंक्रीज हुआ है ये आपका विड्थ के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हां जी आपा देखते हैं कि किवें आपा इन क्वेश्चंस नु कट टाइम विच ज्यादा तो ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग दा है, जिदे विच मैनू देखन ते पता लग रहा है कि की हो रहा है, प्लस 1 आई जे प्लस 1 एफ जी प्लस 1 हो रहा है ना, आपा भी की करना है प्लस 1 करके आंसर करना है, राइट जी, हां जी, ते प्लस 1 करके अपना केड़ा आंसर बन रहा है ए ऑप्शन, सारे विच प्लस 1 करके आपा की करना है आंसर करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या गया है, नंबर ऑफ लेटर्स किप्ट इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज डिक्रीज बाय 1, हां जी 2, 8, 14, 19, 22, मतलब जो एदे विच दिता गया है ओह डिक्रीज बाय 1 होना चाहिए, तो जे आपा इत्थे देखिए 2 ते 8 दे विच किन्ने दा डिफरेंस है, 6 दा डिफरेंस है, अगे 8 ते 14 दे विच किन्ने दा डिफरेंस आएगा, इन बिटवीन इत्थे 5 लेटर है इन बिटवीन इन्हां दे, ते 14 ते 8 दे विच ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਹੋਣਗੇ 5 ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੇ 12, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ 5 ਲੈਟਰ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਹੋਏ
पांच लेटर हुए, उस तो बाद चार, फिर तीन, फिर दो। द आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट सीरीज द क्वेश्चन है, हां जी डी डी फिर की होया एफ एफ आना चाहिए है ना, अगे तीन पांच, पांच तो बाद फिर पांच, ओके फिर इतने सेवन और फिर नाइन, तो मतलब इतने जी आना चाहिए एफ जी। आंसर की होगा सी ऑप्शन है ना, आंसर क्या होगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट की हो रहा है, इन्हों एड कर दो, केड़ी वैल्यू बनूगी सेंटर वाली, और जे आप प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट कर दें तभी अपना क्या होगा आंसर आ चुका, राइट। नेक्स्ट देखो जे सेकेंड दिसंबर 2008 नू ट्यूसडे सी, तो 217th डे ते की होगा, हां जी की करांगे डिवाइडेड बाय 7 और डेज कर लांगे, रिमाइंडर कितना बचूगा जीरो है ना, तो की होगा ट्यूसडे ही आऊगा, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी, सी एफ ई डी इज रिलेटेड एज तीन सोलह प्लस तेरह, छह उन्नीस प्लस तेरह, एक मिनट हां प्लस तेरह, पांच सतारह प्लस किन्ने दे तेरह दा, नहीं इतने तो गड़बड़ हो रही है, इतने तो डिक्रीज हो रहा है, एक सेकेंड इतने तो बारह का आ रहा है, तो इतने किन्ने का आ रहा है चौदह का। नेक्स्ट भी आप की करांगे, सब तो पहला तेरह प्लस तेरह फिर की आऊगा प्लस बारह, तो फिर प्लस किन्ना चौदह, जिवें होया आपां ओवें कैलकुलेट करके की करना है आपां आंसर कढ देना है, तो आंसर की आऊगा अपने कोल सी ऑप्शन। हां जी क्वेश्चन किस तो शुरू हो रहा है, ही तो शुरू हो रहा है, किस तो शुरू करना है माए तो, किन्ने क्या मैंने क्या की क्या, मेरी मदर इन लॉ दा इकलौता बेटा, मतलब मदर इन लॉ इस दे हस्बैंड दी मम्मा दा इकलौता बेटा, अपना हस्बैंड होया, इकलौते बेटे दी डॉटर, इकलौते बेटे दी डॉटर, डॉटर दा ब्रदर ही, इस दी गल हो रही है कि पूछा हाउ इज द मैन, मैन ए की लगता है इस वुमेन दा, की कहोगे सन लगता है, केड़ी ऑप्शन है ए ऑप्शन। हां जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रैंकिंग, ए 13th फ्रॉम द लेफ्ट ते डी इज 17th फ्रॉम राइट, इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम राइट, डी दी पोजीशन दसो, इथों की आ जूगा टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल कितना आया 23। हुन इसी टोटल नू यूज करके टोटल प्लस वन माइनस राइट करके की आ जूगा लेफ्ट दी वैल्यू आ जूगी, टोटल प्लस वन 24 माइनस 17 दैट इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक जी। नेक्स्ट तीन तो चार दे विच किस टाइम ते दोनों हैंड्स की होंगे, की बोलिया एट व्हाट टाइम बिटवीन थ्री एंड फोर विल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर, दोनों हैंड्स टुगेदर किस टाइम ते होंगे। हां जी जे मैं शॉर्टकट लगावा ता एह दोनों नू ऐड करके यूनिट प्लेस ते जीरो आना चाहिए, एदे विच ता आ रहा है, एदे विच नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एदे विच भी नहीं आ रहा, आंसर इज डी, क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू साइलोजिज्म, सम बिल्डिंग आर टी, सम हेलीकॉप्टर आर टेलीफोन, सम ट्रीज आर हेलीकॉप्टर, ठीक। फर्स्ट सम हेलीकॉप्टर्स
आर बिल्डिंग, ना जी दूर दूर है. सम ट्री आर बिल्डिंग, यस. सम ट्री आर टेलीफोन, दूर दूर, गलत. क्रॉस दा ता साइन ही नहीं आ रहा. हां जी, ट्री ते बिल्डिंग ए दोनों नु मिला के चीज बन रही है. सॉरी, ये तो सही है, इनू तो मिलाना ही नहीं. हां जी, किसी होर नाल ट्री ते बिल्डिंग, ट्री बिल्डिंग, ट्री बिल्डिंग है नहीं. तो आंसर की आऊगा, ओनली सेकंड फॉलोस. एक सेकंड, सम ट्री आर बिल्डिंग, नहीं ये भी दूर दूर है. सॉरी, ये मैं गलत करता. हां जी, सम हेलीकॉप्टर बिल्डिंग, दूर दूर, गलत. सम ट्री बिल्डिंग, ट्री और बिल्डिंग, दूर दूर, गलत. सम ट्री टेलीफोन, गलत. दोनों विच कोई रिलेशन नहीं. नो वाला तो साइन ही नहीं आया, ता भी गलत. हुन की करांगे, सारे गलत हो गए, तो पहले चेक करांगे ओह दो पेयर जिन्हां दे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है. ट्री बिल्डिंग, ट्री बिल्डिंग, यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव. की आऊगा, ईदर सेकेंड एंड फोर फॉलोस. क्लियर? हां जी, किन्ना विच अपर रिलेशन कढ़ने. इन विच, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री ऑल्टरनेटिव्स आर सच दैट थ्री वर्ड्स इन सच इन ईच आर रिलेटेड अमंग देमसेल्फ इन वन ऑफ द फोर वेज. ठीक है जी, ए बी सी डी. बिलो विच नन एप्लीकेबल. ओके, की एप्लीकेबल नहीं है. हां जी, एदे विच की कढ़ने, आपां नू चार ऑप्शंस देतियां और आपां एह कढ़ने एदे विचों केड़ी ओह ऑप्शन है जिदा रिलेशन इत्थे नहीं बनदा. ठीक है जी, देखो जे कलर रेड ब्लू, तो रेड और ब्लू दोनों किदे विच आएंगे, कलर विच आएंगे, मतलब एदा तां सी बन रहे है. कलर क्लोथ दे मर्चेंट, कलर अलग, क्लोथ अलग, ते मर्चेंट अलग, ते एहजी तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने कोल. ता आंसर की आऊगा इसका, बी आऊगा. आंसर की आऊगा इसका, बी आऊगा. इस टाइप का क्वेश्चन सी है. आगे की कढ़ने आपा, बॉड मास लगाने. की लगाने? वी विल अप्लाई बॉड मास हियर. हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, है ना? की क्या गया, जिवे 30 क्यू दा मतलब की है, एदे विच मतलब लिखन दा स्टाइल एवें होना चाहिदा सी. क्यू दा मतलब की है, डिवाइड, फिर 10 आया. उस तो बाद ए दा मतलब की है, प्लस 4. पी दा मतलब की है, मल्टीप्लाई 2. ते एम दा मतलब की है, माइनस. क्या आया? माइनस 2. क्लियर जी? और किस इक्वेशन विच आंसर सही बैठता है? देखो, डिवाइड करके 3 आ गया, प्लस 8 माइनस 2. ना जी, ये तो आंसर नहीं बनूगा. सेकंड चेक दे हैं, पी 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 दा मतलब की है, इनटू 2. ए दा मतलब की है, प्लस 4. पी पी मतलब मल्टीप्लाई 2. ठीक है जी, 10 प्लस पहला डिवाइड होगा 2, फिर मल्टीप्लाई होएगा 14. आंसर इज बी. क्लियर जी? अगला क्वेश्चन. हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किस ना रिलेटेड है? अरिथमेटिक रीजनिंग दा है क्वेश्चन है, जिस दे विच आपा अरिथमेटिक रीजनिंग नू कैलकुलेट करना है ना. की आंसर आएगा इस दा, ए मैं कैलकुलेट नहीं करवा रही, दैट इज 29. अगे अगे की कढ़ने है, ऑड वन आउट दसना है. ऑड वन आउट, देखो एदे विच कैपिटल, सारे वोवल्स कैपिटल, वोवल कैपिटल, वोवल कैपिटल, इस दे विच सी कैपिटल नहीं है. नेक्स्ट डायरेक्शन द क्वेश्चन है, जिस दे विच की क्या गया, A villager went to meet his uncle in another village situated 5 km
अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ लिविंग इन अ विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन साउथ ऑफ हिज अंकल. ठीक है जी, साउथ च आ गया. ठीक है, किन्ना 4. पूछा की है हाउ फार अवे एंड इन वॉट डायरेक्शन इज ही नाउ. हां जी, किन्ने डिस्टेंस थे? 3 किलोमीटर थे, है ना, 3 किलोमीटर थे. तो 3 किलोमीटर थे डायरेक्शन कड़ी आऊगी अपनी ईस्ट वाल है. किन्ना दूर है अपने घर तो? 3 किलोमीटर दूर है. ठीक है जी, हां जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. जैसे कि आपको पता है कि हर वीक हम मिलते हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. इस हफ्ते के जो आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और उन्हें कैसे टैकल आप लोगों ने यहाँ पे करना था, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड. अगर मान लीजिए आपके पास ये एमएस वर्ड है, इस एमएस वर्ड में आप लोगों ने एक न्यू पैराग्राफ, और मान लीजिए ये कुछ पैराग्राफ आपके पास लिखा है और अब आपको लगता है कि न्यू पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है, तो यहाँ के बाद आप कौन से की दबाएंगे? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर. तो ये बेसिक काम जो है वो किसकी से हो जाता है? ये काम जो है एंटर की से आपके पास हो जाता है. अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप एंटर दबाते हैं तो आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ. अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ डबल क्लिक. डबल क्लिक का मीनिंग क्या होता है? डबल क्लिक का मीनिंग है माउस के प्रोस्पेक्ट में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाई क्विकली प्रेसिंग द बटन ऑन अ माउस. अगर माउस को आप लोग 2 बारी या 3 बारी प्रेस करते हैं तो वहां पे उसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आइटम वहां पे रखी हुई होती है उसको वो क्या कर लेता है? सिलेक्ट कर लेता है. तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है, पर अगर लोगों भी डिस्कस कर लेते हैं अपीयरेंस ऑफ एन आइकन, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है. टू टेक अ सिलेक्शन द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट ऑन द क्लिप बोर्ड. तो सिलेक्शन करना नहीं होगा जिसका होगा, ठीक है, मूव तो नहीं करते इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं. इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप लोग समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है. इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो कौन सी है आपके पास? एडा, प्रोलोग, पास्कल या फोर्ट्रन. तो यहाँ पे याद रखेंगे ADA आपके पास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 1980 में बनी थी. ये किसमें? 1980 में. यहाँ पे इसकी एडा की जो है डेवलपमेंट जो है 1980 में हुई थी, 1980 में. तो आज से 42 साल पहले तकरीबन इसका जो थी इन्वेंशन हुई थी. और ये क्या करता है? सारे के सारे सॉफ्टवेयर को इट सपोर्ट All platform. सारे के सारे प्लेटफॉर्म को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है. तो याद रखेंगे कि ADA क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. ठीक है, होपफुली बात क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन ये रहा. अगला क्वेश्चन क्या है? LST लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज इन. आपके पास कौन से जनरेशन में हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ. तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कौन से जनरेशन में था? फोर्थ जनरेशन में है आप लोगों को ये, सॉरी थर्ड जनरेशन में है, आपको ये याद रखना है. अब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में क्या था वो भी आप लोग सीख लीजिए. फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या था वो भी सीख लो. अब फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म हमने यूज करते हैं VLSI प्लस ऑफ MP. ठीक है, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MP स्टैंड फॉर माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI प्लस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका यूज करते हैं. ULSI स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया. तो नो डाउट आपको पता लग गया यहाँ पे, और फोर्थ और फिफ्थ का भी आपको मैंने साथ के साथ बता दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्या है? ISP. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, पहले तो अपने आप में यही पूछ लेते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय डैश। तो जब इंटरनेट के ऊपर आप लोग नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के थ्रू, सब्सक्राइबर एंड एंड पॉइंट, आईएसपी एंड एंड पॉइंट, या इंटरनेट एंड पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पे आईएसपी बनेगा आईईपी, ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के थ्रू ये सारा काम जो है किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास डैश अलो मोर डेटा टू बी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, तो किसके थ्रू आप मोर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा कंप्रेशन, डेटा कंपेयर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि कंप्रेस का मतलब होता है छोटा कर देना, एक बड़ी चीज को कंप्रेस करके छोटा कर देना, तो यहाँ पे मतलब है कि एक बड़े डेटा को कंप्रेस करके उसमें से कुछ बिट जो है रिलीज करवा लेना ताकि आप अनदर डेटा को यहाँ पे स्टोर कर पाए, तो ये काम जो है वो किससे होता है, डेटा कंपेरिजन के थ्रू जो है हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या है, फाइंड ओड वन आउट, इसमें से ओड निकालिए कि इनमें से कौन सा जो है वो अलग है या गलत है। तो कीबोर्ड मॉनिटर माउस जॉयस्टिक एंड मॉनिटर, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, पर मॉनिटर जो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आपके पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है कि बाकी तीनों के तीनों इनपुट है और ये आउटपुट है, तो ऑब्वियसली ये क्या निकलेगा, ओड वन आउट आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फाइंड द ओड वन, अब फिर से आपसे पूछा गया कि ओड निकालिए, तो एमएस वर्ड, विंडो एक्सपी, लिनक्स एंड डोस। तो सबसे पहले अगर पता बताऊं तो ये विंडो है, ये भी विंडो है और ये भी विंडो है, तीनों के तीनों विंडो है, तो ऑब्वियस है ओड वन आउट क्या होगा, आपके पास एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर है, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या निकल गया, ओड वन आउट निकल गया आपके पास, जो कि अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपियर अंडर द होम टैब इन एमएस पावर पॉइंट 2016, इनमें से कौन सा 2016 में आपके पास होम टैब में नहीं था, जूम, फॉर्मेट पेंटर, न्यू स्लाइड एंड फाइंड, फाइंड था, न्यू स्लाइड था, फॉर्मेट पेंटर भी था, तो आपके पास जूम का ऑप्शन यहाँ पे होम टैब में ये नहीं आता था, तो ये होपफुली आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जिस्टिंग विंडो डॉक्यूमेंट हैज टू बी ओपन फॉर एडिटिंग इट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी यूज, अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर में से कोई डेटा को हमें एडिट करना है, तो इनमें से किस वैल्यू का आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, ओपन रिसेंट, या फिर ओपन फॉर्म। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई मेरे पास ऑलरेडी पता पड़ा हुआ है डेटा जिसे कि मेरे को एडिट करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, ओपन करने का, ओपन का मतलब सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करूंगा, देन ही वो काम किया जा सकता है। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन फिर आपका यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही बनेगा, ओपन। Hopefully बात आपको यहां तक अच्छे से क्लियर है। तो चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास। हाँ जी, पंजाब जीके दे कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं आज, देखते हैं। पहला क्वेश्चन साढ़े को आ रहा है, दैट इज सर साइरिस रेडक्लिफ वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पंजाब बाउंडरी कमीशन, जो 1947 की वंड हुई है या हिंदुस्तान की वंड हुई है, तो उस वेले इंडिया की पार्टीशन वेले दो सूबे वंडे गए ने, एक पंजाब ते एक बंगाल, और जो ये वंडे गए तो फिर साइरिल रेडक्लिफ नूं इहदा चेयरमैन अपॉइंट किया गया, और इहदे विच पंजाब वास्ते दो बंदे कांग्रेस दे ते दो मुस्लिम लीग दे। सिमिलरली ईस्ट पाकिस्तान उस वेले जिहड़ा बनिया सी, जिहनूं हुण आपां बंगलादेश कहिंदे आ, उहदे विच वी दो कांग्रेस दे ते दो मुस्लिम लीग दे बंदे अपॉइंट किए गए सीगे। सो क्वेश्चन इत्थे ए है कि हू अमंग द फोर वॉज रिप्रजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस वालों उहदे विच दो बंदे किहड़े नोमीनेट किए गए सीगे, अपना जवाब इहदे विच ऑप्शन कड़ी कड़े ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, एम सी महाजन ते सी आर दास। सो इहदे विच आपां देखदे आं जिहड़ा जवाब साडे कोल है, दैट इज मेहर चंद महाजन, जिहड़े के जम्मू एंड कश्मीर दे सीगे, उन्होंने मैंबर बनाया गया सी, और दूजे मैंबर जिहड़े कांग्रेस वालों सीगे उन्हां दा नां सीगा, दैट इज जस्टिस तेजा सिंह। सो
जस्टिस तेजा सिंह ते श्री मेहर चंद महाजन जेडे के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने यह जो दो कांग्रेस के रिप्रजेंटेटिव सके इन पंजाब बाउंड्री कमीशन जरा कि अपॉइंट किया गया सीगा। और थानू यह भी पता होना चाहिए कि यह जुलाई में अपॉइंट होया सीगा और इदी जड़ी डेक्लेरेशन हुई सीगी रेडक्लिफ लाइन जड़ी सीगी बनाई गई सीगी दैट आजादी 15 अगस्त नू मिली पर 17 अगस्त नू जाके जड़ा सीगा यह लाइन डिमार्केट हुई है और उस वेले जाके पता लग्या कि केड़ा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा और केड़ा इंडिया दे विच रहेगा। और ये खास तौर पर जी सी कि कुछ एक इलाके जिहड़े के पाकिस्तान च जा रहे सीगे और लगदा सीगा कि उन्होंने पाकिस्तान जान दे विच बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इंडिया नू क्योंकि गुरदासपुर का इलाका जिहड़ा सीगा दैट वॉज गोइंग टू पाकिस्तान बींग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। पर लास्ट मोमेंट दे उत्ते और ये कहा जाता है कि नेहरू साहब दी जिहड़े उस वेले प्राइम मिनिस्टर सीगे उन्हां दी माउंटबैटन दे नाल मीटिंग हुई और उन्होंने किसी तरीके माउंटबैटन नू रजामंद किया कि गुरदासपुर का इलाका और पठानकोट का इलाका वह जो सीगा पंजाब च रहना चाहिए क्योंकि जे ना रहिंदा वह पंजाब दे विच तां जम्मू कश्मीर नू कोई सीधा रस्ता नहीं सी बचदा। सो इस तरीके दी डिवेलपमेंट्स कुछ हुईयां सीगियां जिन्हां दे नाल आपां कहिंदे आ कि भी इह रेडक्लिफ लाइन जिहड़ी सीगी उह बणी जिहड़ी कि आपां इंडिया पाकिस्तान दा बॉर्डर अज दी डेट विच जाणदे हां। अगला क्वेश्चन देखते हैं हू इज द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा। पंजाब विधानसभा का इस वेले स्पीकर कौन है? सो इसका सबनों पता ही होना चाहिए सरदार कुलतार सिंह संधवा वो पंजाब के स्पीकर ने इस वेले जिहड़ी कि हुण असैंबली बनी है और जिहड़ी इलैक्शन हुण पिछे जे हुई सीगियां। इन विच जेल भगत सिंह वॉज हैंगड आफ्टर हिज प्रोसीक्यूशन इन बॉम्ब ब्लास्ट केस एंड प्रोक्लेम गिल्टी ऑफ मर्डर। भगत सिंह ने जदों दिल्ली की असैम्बली दे विच उस वेले बंब छड्या सीगा और उहदे नाल कोई बंदा जख्मी नहीं होया क्योंकि उहदा सिर्फ एक एक्शन सीगा भगत सिंह दा ते वक्तेश्वर दत्त दा कि उह लोकां नूं सुनाउणा चाहुंदे सीगे या असैम्बली दे मैंबरां नूं सुनाउणा चाहुंदे सीगे कि यह गल सुनी जानी चाहीदी है और देश नूं आजादी मिलनी चाहीदी है पर उहनां दे उत्ते पहलां ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सीगे क्योंकि उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर के हाथ सेगा और इस करके उन्होंने मुकदमा चलिया और मुकदमे के उन्होंने फांसी की सज़ा हुई और आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 जो उन्होंने यह फांसी दी गई सी पर यह फांसी कि जगह पर हुई सी और यह फांसी जी सी क्वेश्चन यही है कि यह फांसी कितने दी गई सी। सो यह लाहौर जेल के फांसी हुई सी और उस तो बाद जो एक कहा जाता है कि इन्हों बॉडीज नू जिहड़ा सीगा फिर ले जाके आपां हुसैनी वाला बॉर्डर उस जगह के उत्ते फिर सतलुज दे विच इन्हां नू बहाया गया सीगा यह जिवें कि आपां जानते हाँ। एक गल होर जिहड़ी कि सब नू पता होनी चाहीदी है कि यह तकरीबन 2 साल की सज़ा जिहड़ी कि भगत सिंह ने कट्टी 1929 तो लैके 1931 दे विच क्योंकि सज़ा हो गई सीगी यह तकरीबन अक्तूबर 1930 दे विच फांसी सजा हो गई सी और 1931 जाके फिर जो यह बाद हैंगिंग हुई है जबकि फांसी की सजा फांसी लगी सी। यह 2 साल के तकरीबन 151 दिन भगत सिंह ने जरा यह मरन आप कहने कि यह फास्टिंग की है दैट मीनस उन्होंने हंगर स्ट्राइक की सी और टोटल पीरियड जो देखा जाए तो यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह ते उन्हां दे साथियों ने जिहड़ी कि उत्थे भुख हड़ताल रखी है ये टोटल पीरियड जिहड़ा कि महात्मा गांधी जी ने भुख हड़ताल रखी है उस तो ज़्यादा वध समय तक जो सीगा इन्होंने भुख हड़ताल रखी सीगी। पहली भुख हड़ताल इन्होंने की सी तकरीबन 73 दिन की भुख हड़ताल की जिहदे विच इन्होंने कहा सीगा कि कैदियों नूं उन्हां नूं प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उहदे वास्ते जो सीगा इन्होंने भुख हड़ताल की उन्हां वास्ते फिर उन्होंने आश्वासन दिता गया सीगा कि थोड़ी जी सी ये मंगा ठीक है ने और उन्होंने वास्ते जो सीगा यह मंगा मनिया गया पर फिर भी जदों उन्होंने यह मंगा पूरिया ना हुई तो दोबारा फिर भगत सिंह ने भुख हड़ताल रखी सी और यह कहा जाता है कि 151 दिन तो ज़्यादा जी सी भुख हड़ताल भगत सिंह ने की सी और उस करके जो
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਤਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ 10th ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? 10ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 17th ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 52-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ 10th ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਮੀ, ਵੈਨ, ਲੁੱਡੀ, ਪਿੱਠੂ, ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਕਿ ਸੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨ, ਇਹ 2 ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਵੈਨ ਤੇ ਪਿੱਠੂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਮੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਸੰਦਲਵਾਰ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਮੀ ਸੰਮੀ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੋਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਨ, ਵੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਪਿੱਠੂ, ਪਿੱਠੂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਤੇ ਪਿੱਠੂ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਾਜ ਫੋਟ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਕਸਥ ਐਂਡ ਸੈਵਨਥ ਗੁਰੂਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖਸ? ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਚ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ, ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ, ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਇਨ ਲਾ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਔਰ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਸੈਕਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਐਲਡਰ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਚਿਤਵੰਤੇ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲੀ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਿਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਐਟ ਦ ਕੰਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਵਿਚ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੰਫਲੂਐਂਸ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੁਝ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੰਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪੈਰਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉੜੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਲਾ, ਪਾਲਾ ਮੀਨਸ ਸਰਦੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉੜੰਤ, ਕਿ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੁਹਾਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਲਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਿਕਟਰੀ ਡਾਂਸ ਦੇਖੋ, ਸਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਹੈਡ ਐਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਇਨ 2021 ਫੋਰ ਹਰ ਬੁੱਕ ਸੁਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਨੇ ਹੇਜ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡੀ ਆਫ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਦੁਆਬ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦੁਆਬ ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਹੋਇਆ? ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀ ਏਰਿਡ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਏਰਿਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਏਰੀਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂ ਬਰੋਟ ਦਾ ਸੈਕਰਡ ਹੈਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਫਟਰ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਇਟ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਧੜ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਹੈਡ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਰੀ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਲੋਕੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਫੰਡਸ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ 55,00,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਗਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਸੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ? ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਪਰ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਇਟ ਏਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏਮਡ ਐਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ। 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਦੇ ਕਨਵਰਟਿਡ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਇਟ ਏਮਡ ਐਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। अपने सैटरडे मॉक टेस्ट को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे, उसके आसपास के क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि इस बार के क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या लेवल रहा है इनका, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्लान्ड, डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय। देखो क्लास, दो तरीके की पॉलिसीज बनती है देश में, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी को आम तौर पर हम लोग बजट का नाम देते हैं, वैसे तो संविधान में आर्टिकल नंबर कौन सा है? 112, ठीक है? जो आर्टिकल नंबर है हमारा वो क्या है? 112 है, जो किसके बारे में बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बेसिकली हमारी फिस्कल पॉलिसी ही होती है, जिसे कौन बनाती है? भारत सरकार। किसके थ्रू? फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है? तो आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, तो कई लोग ना उसका आंसर मार्क कराते हैं कि आरबीआई इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट एक्चुअल में आंसर क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी इज द राइट आंसर जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। बट क्वेश्चन हमसे यहां क्या पूछा गया था? फिस्कल पॉलिसी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है? समांतर रेखाएं जिनको हम लोग बोलते हैं, कि लैटिट्यूड्स के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें से ट्रू है? वो कहता है पहला पॉइंट, दे मीट एट पोल्स, ठीक है? गलत स्टेटमेंट है। दे आर द फर्दर फ्रॉम ईच अदर एट पोल्स एंड नियर टू द इक्वेटर, वो कहता है कि इक्वेटर के आसपास ये नियर होती है, पोल्स के पास ये दूर हो जाती है, गलत है। दे नेवर मीट ईच अदर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी जो लैटिट्यूड्स होती है वो पैरेलल लाइंस होती है क्लास। अब जो पैरेलल चीजें हैं वो कभी भी आपस में क्या कहती है? मीट नहीं करती। हालांकि मैथमेटिकली हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी,
है ना, बट यहाँ पे इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा अर्थ के ऊपर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि दे नेवर मेट ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट पूछा है आपको, तो हालांकि अगर आपको ये वर्ड भी नहीं पता था कि सुंडा डीप है, आपको जावा ट्रेंच से ही आइडिया हो जाता, ठीक है। मरीना ट्रेंच तो हमें वैसे भी पता है, ये पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और ये इनफैक्ट पूरे अर्थ के ऊपर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तकरीबन 11,033 मीटर धरती से नीचे है ये, आपके पास डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, दैट इज मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में फिलिपाइंस के पास, ठीक है। इंडिया के ट्रेंच का जो नाम है वो आपके पास कौन सा है, इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच। अगर आपसे ऐसे अटलांटिक ओशन का पूछा जाए तो नाम याद रखना प्यूर्टो रिको, ठीक है, प्यूर्टो रिको किसका है, अटलांटिक ओशन का है, ठीक है, प्यूर्टो रिको किसका है आपके, अटलांटिक ओशन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फेमस बैटल ऑफ टेन किंग वॉज फोट ऑन द रिवर ऑफ ऑन विच रिवर, इसे दशवराजना युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। वो कहता है कि किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कोशिश किया करो क्लास ऋग्वेद में जो रिवर्स के नाम मेंशन, ऋग्वेदिक नाम मेंशन है, उनको आप याद रखो, ठीक है, पुरुषनी है, सातुद्री है, असीकनी है, ठीक है, ऐसे नाम दिए गए हैं, उनको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, With reference to the Indian history, the members of Constituent Assembly from the provisions were. वो कहता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है कि अगर मैं भारत के इतिहास के अनुसार देखता हूं तो जो मेंबर्स है Constituent Assembly के वो provisions में कहां कहां से बिलोंग करते थे आपके पास, ठीक है। पहले डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, की जनता ने उसको प्रांतों से खुद चुना था, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, वह तब तक तो वोटिंग का इतना कोई हिसाब किताब भी नहीं था। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, गलत है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हमने असेंबलीज को चुना था, असेंबलीज के मेंबर्स ने आगे मेंबर्स चुने थे आपके असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, तो स्टेटमेंट सी इज राइट, तो डी वैसे एक बार देख लेते पर गलत है। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये चीज गलत है, ऐसा इतने सारे एक्सपर्टीज नहीं मिल सकते आपको जिनको संविधान बनाने की नॉलेज है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट कैलकटा, वो कहता है कि पहला सेशन कांग्रेस का कहां हुआ था, कैलकटा में, गलत है, पहला सेशन कहां पर हुआ था, बॉम्बे में, होना पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने की वजह से ये सेशन कहां शिफ्ट किया गया था, बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, ठीक है। द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नरोजी, ठीक है, ये स्टेटमेंट दादा भाई नरोजी ही थे, पहले में कौन थे, वायवेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी थे। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है, और इस लखनऊ पैक्ट के जो एम्बेसडर माने जाते थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे आपके पास, जिन्हें उस समय टाइटल दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के जो एम्बेसडर है वो कौन है, जिन्ना। हमारी हिस्ट्री में कई बार लोगों को बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है, कई बार उनके सही तरीके से उनकी पोर्ट्रेशन हो नहीं पाती, सिर्फ कुछ एक इवेंट्स के ऊपर उनको जज करते हैं। जिन्ना वॉज वन ऑफ द अर्लिएस्ट पर्सन इन दिस कंट्री हु वॉज एक्चुअली टॉकिंग एंड सीरियस अबाउट द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, और उन्होंने इस बात को लखनऊ पैक्ट में साबित करने की कोशिश भी की थी, ठीक है, he was a very staunch follower of this. तो second, third statement true है। चलिए at which place did महात्मा बुद्ध give his first धाम चक्र परिवर्तना, ठीक है, जो पहला उपदेश था वो कहां पर दिया गया था, इसको नाम क्या दिया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, तो सारनाथ है। बाकी जगहों को देखते हैं क्या क्या रिलेशन आपको दिखाई देता है, लुम्बिनी जन्म स्थान है, पाटलिपुत्र के अंदर आपकी थर्ड काउंसिल हुई थी, याद रखना है आपको, वैशाली में आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, थर्ड काउंसिल के हेड के राजा कौन थे, अशोका, सेकंड के कौन थे, कालसोक, ठीक है, क्वेश्चंस को याद रखा कीजिए क्लास, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Which schedule of Indian Constitution contain provisions related to the anti-defection law? ठीक है, anti-defection law हमारा कहां पर mention है? Sixth schedule, tenth schedule में आपके पास mention है। अब वो कहता है कि fifth और sixth क्या है? एक बार इनको भी जान लेते हैं। तो fifth schedule deal करता है administration and control of the scheduled tribe areas and tribes। और sixth के अंदर specially mention है आपके पास Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ अमेंडमेंट से ऐड हुए क्लास, आपको याद रखना है। टेंथ स्केड्यूल ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट,
1985 में 52वां संशोधन था संविधान का, जिससे आपका 10th स्केड्यूल क्या किया गया था, ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन द पार्लियामेंट। वो कहते हैं सिटीजनशिप के राइट्स को लेकर किसके पास पावर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर ही है क्लास। ये पावर सीधी और सीधी पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास ये पावर नहीं है सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। यूनिटरी फीचर है देश के संविधान का कि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है और ये पावर डायरेक्टली किसके हाथ में दी गई है, पार्लियामेंट के हाथ में दी गई है। कुछ भी चेंजेस करने होंगे, किसी को अलाउ करना है किसी को नहीं अलाउ करना है, क्या प्रोविजन बनाने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, इट्स ऑल रिसाइड्स विद द पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपके फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है, ठीक है। अब यहां पे आंसर क्या दिया हुआ है, जुडिशरी। कई बार पेपर में सुप्रीम कोर्ट आंसर होता तो वो भी ठीक है क्लास, ध्यान रखिएगा गलत मत समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है एज अ जुडिशरी कि वो आपके क्या करती है, आपके फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन होती है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ठीक है। कौन से एक्ट से ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 के अंदर। कमेटी कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसी के साथ संविधान में पार्ट 4A को ऐड किया गया था और आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया था, 51A। आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ है, 51A ऐड हुआ है मेरे पास, ठीक है। इनिशियली आपके पास 10 ड्यूटीज थी, आज की डेट में 11 ड्यूटीज हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितनी ड्यूटीज मेंशन है संविधान में, आज की डेट में 11 है। इसमें भी एक संशोधन बाद में हुआ है, 86th अमेंडमेंट, जो कि हम राइट टू एजुकेशन के थ्रू पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, 10 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नर। आर्टिकल 153 आपको डिटेल बताता है कि देयर विल बी अ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट विच विल बी कॉल्ड एज द गवर्नर, ठीक है। 153 है, आर्टिकल याद किया करो क्लास, पेपर में आते हैं। विच इंडियन कल्चर सेलिब्रेशन हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट बाय द यूनेस्को। क्लास कभी भी न्यूज में यूनेस्को भारत की किसी प्लेस को, किसी कल्चर को, किसी डांस को इंपॉर्टेंस देती है, प्लीज याद रखा करो। तो आंसर इसके पास क्या है, जो दुर्गा पूजा वर्ल्ड फेमस है क्लास, पूरी दुनिया में कलकत्ता के अंदर बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है बड़ी जबरदस्त, तो इसको ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए दही हांडी का याद रखना क्लास, मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा बता देता हूं। दही हांडी प्रीमियर लीग हुआ करेगा महाराष्ट्र के अंदर, ये याद रखना। एकनाथ शिंदे जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि वी विल, जैसे आईपीएल होता है ना, तो ऐसे ही दही हांडी का प्रीमियर लीग करवाया जाएगा महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट जिलों के बीच में, ठीक है। चलिए, विच इंडियन डिग्नेटरी अटेंडेड द 50th विजय दिवस सेलिब्रेशन ऑन दिसंबर 16 एट ढाका इन बांग्लादेश। 16 दिसंबर वो तारीख है जब हमने भारत बांग्लादेश को बनाया गया था, भारत ने इसको लिबरेट करवाया था फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। तो इस बार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पर गए थे पिछली बार इसको सेलिब्रेट करने दिसंबर के महीने के अंदर। रामनाथ कोविंद वॉज द अटेंडेंट, ये आपको याद रखना है। अभी प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं, जब गए थे तब कौन गए थे आपके, रामनाथ कोविंद जी। चलिए नेक्स्ट, एनटीपीसी हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ये आपके पास आंध्र प्रदेश है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है क्लास, पूछे जाते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 112 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन द स्किल एजुकेशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी। आपको पूछा जा सकता है क्लास, ठीक है। अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिक वर्क है, 112 मिलियन का इसको लोन अप्रूव किया है आपकी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि लोगों की स्किल एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सके, उनको स्किल्स सिखाए जा सके, फ्यूचर रेडी किया जा सके। चलिए, नगदाग पेल की कार्लो, ये एक हाईएस्ट डेकोरेटिव अवार्ड है किसी कंट्री का, ठीक है, दैट इज ऑफ भूटान। ये अभी रिसेंटली भारत की एक डिग्नेटरी को दिया गया था, दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, काफी सारी कंट्रीज नवाज चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट भूटान, काफी सारी कंट्रीज नवाज दी चुकी है, ठीक है। चलिए, इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर द एनुअल एफडीआई। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन 81.91 बिलियन डॉलर का आपको एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस कंट्री से मिला था, वो आपके पास कौन सी थी, सिंगापुर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 18 दिसंबर को हम माइनॉरिटी राइट्स डे मनाते हैं,
क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा गया कि इनमें से आपके पास माइनॉरिटी कौन सी नहीं है। तो जैन माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, सिंधीज माइनॉरिटी में काउंट नहीं होते पास, ठीक है। इसको हिंदुत्व का ही पार्ट देखा जाता है। तो भारत में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटीज आपके पास माइनॉरिटी सेक्शन में जाती है। चलिए नेक्स्ट, जून 29 नासा ने एक कैपस्टोन, बहुत माइक्रोवेव साइज का छोटा सा एक इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन इसको यूएसए से लॉन्च नहीं किया था, जिस कंट्री से लॉन्च किया था वो आपकी कौन सी है, न्यूजीलैंड। कई बार ना हम सोचते हैं कि ना यार ये क्यों पॉसिबल होता है कि हम अपनी कंट्री से क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्यों इंडिया से लॉन्च करवाया जाता है या किसी और कंट्री से कराया जाता है। बेसिकली जहां आप उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में लगाना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से प्रेफरेबल जगह देखते हो जहां से धरती पर उसको बाहर डाला जा सके, ठीक है। ज्योग्राफिकली हम चुप जब पढ़ते हैं तो आपको इसको पता लगेगा, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन क्राउन्ड द फेमिना मिस इंडिया 2022, जुलाई 3 को मुंबई में बनी है सिनी शेट्टी, ठीक है, ये आपके भारत की मिस इंडिया बनी है इस बार। नेक्स्ट, हु वाज द अर्लीस्ट नोन चोला किंग हु कॉन्क्वर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर 50 इयर्स, 50 साल के लिए राज किया था, चोला वंश के एक राजा थे अलारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चोला वंश के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं क्लास, चोलास पांड्यास चेरास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर टोटल निकाल लोगे तो मुश्किल से 20-50 क्वेश्चन निकलते हैं, पढ़ लो उनको, इस ज्यादा डिटेल्ड आपके जनरल एग्जाम्स में नहीं दिखाई देती है, ठीक है। यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रुप बी गैजेटेड की भी बात नहीं कर रहा हूं, बट उसके बाद की जो पोस्टें हैं उसके चोलास पांड्यास और चेरास के तकरीबन 50-60 क्वेश्चन का सेट बनता है, बनाओ और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द सिंगल बिगेस्ट आइटम इंपोर्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके पास विजयनगर एम्पायर की सबसे बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम्स आपके पास उस समय क्या थी, हॉर्सेस, घोड़े। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द सिल्क, कर्नाटका भारत के अंदर सिल्क प्रोड्यूस करती है, और भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया का जहां पे चारों नस्लें आपको मिलती हैं सिल्क की, अरी, मूंगा, तुसार, मलबरी, सारे के सारे अवेलेबल है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज रेफर्ड एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां उसमें पंचमढ़ी, बहुत बारिश होती है क्लास, जैसे हम महेश्वरम की बात करते हैं आपके मेघालय के अंदर, पंचमढ़ी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहां पे भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जानी जाता है। विच वर द फोर्थ हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1866, तो अलाहाबाद हाई कोर्ट थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास बनाई गई थी बाद पहले, उसके बाद आपकी कौन सी बनाई गई थी, अलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, तो कलकत्ता, ठीक है, ये कलकत्ता कोलकाता दो बार लिखा है, यहां पर बॉम्बे आना चाहिए वैसे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो आपको बताना कि इनमें से कहां कहां पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो पौंडेचेरी में भी है, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि यूटी है, असेंबली है अभी वहां पर, ठीक है, आने वाले टाइम में जब स्टेट हो जाएगी तो शायद यूटी की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव। By which year the government wants to spend 3% of GDP on health? 2022 से आपकी भारत सरकार ने कहा था कि हमने पूरी टोटल जीडीपी का 3% किस पे खर्च किया करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोविड के बाद बहुत एक्सटेंसिवली हाइक हुआ है आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर, 2021 का बजट हो 2022 का बजट हो, तो ये 2022 में ही प्रॉमिस हुआ था। When was the Central Institute of Plastic Engineering and Technology was set up? It was in 1968, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है क्लास। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप जुड़े रहिए, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस इंग्लिश सेक्शन बाय ज्ञान, आई एम पीयूष सरदाना, योर बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सो गाइस, देखते हैं अपने पास क्या आया यहाँ पर, ये आपने पैसेज पढ़ा होगा, पीपल हैव लिटिल टाइम टू कंसिडर द आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्यों उनके पास कम टाइम क्यों होता है, क्योंकि वो आजकल कहाँ बिजी है, वो कहता अपनी रूटीन एक्टिविटीज में बिजी चलते हैं। अब रूटीन एक्टिविटीज उसने डायरेक्टली बोला है कि वो रूटीन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम सोचने के लिए भी होता है, और हमको कुछ एक्चुअली में पता ही नहीं होता है। अच्छा, व्हेन वी फोकस अबाउट इट, तो देखते हैं आगे क्या है। द बर्डन ऑफ लाइफ प्रॉब्लम इन द फोर्थ फिफ्थ लाइन रेफर्स टू, अब लाइफ की प्रॉब्लम्स का जो बर्डन है वो क्या है, उसने बोला कि ये जो हमारी ड्यूटीज आ जाती हैं आगे जाकर, ये प्रॉब्लम्स हमारे पे कल आएंगी, लाइफ की प्रॉब्लम्स हम पे कल आएंगी, यानी जब हम बड़े हो जाएंगे, विच मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑनरस ड्यूटीज ऑफ लाइफ। अगला, टू वर्ल्ड वॉर्स द प्राइज है, टू वर्ल्ड वॉर आर द प्राइज दैट हैज बीन पेड फॉर द लैक ऑफ विजडम एंड मैन्स पार्ट इन दैट जनरेशन, एब्सेंस ऑफ विजडम एंड सेगेसिटी, यस एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर द अडॉप्टेशन ऑफ रॉन्ग मीन्स इवन फॉर द राइट एंड वुड, अब ये रॉन्ग मीन्स क्या करेंगे, वो कहता है अगर आप रॉन्ग मीन्स भी चूज कर लेते हैं ना
तो भी आपको एक्चुअली में आंसर देखो क्या बोल रहा है वो, रॉन्ग मीन चूज भी कर लेते हैं ना, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, वो आपको डिफ्लेक्ट कर देगा राइट पाथ से। उसने बोला अगर एंड राइट है और मीन रॉन्ग है, ये विटिएट कर देगा एंड को और हमको डाइवर्ट कर देगा, तो इट विल डिफ्लेक्ट अस फ्रॉम द पाथ, वो उससे दूर ले जाएगा, जो पाथ है उससे हमको दूर ले जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विटिएट का मतलब इज डिस्ट्रॉय कर देना। I was disgusted at the manner he was flattering the party leader. Basically, मैं opposite बताना आपको, disgusting का मतलब क्या हो जाता है, मुझे गुस्सा चढ़ गया था जैसे वो कर रहा था। Flatter is तारीफ करना, चुगली करना, तारीफों के पुल बांधना, phrase, और उसका opposite हो जाएगा pleased. Disparaging the success of their friend because of jealousy. कईयों की आदत है कि वो disparage कर देते हैं। Disparage का exact मतलब क्या हो जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि वो success को कर देते हैं तो साफ पता लग रहा है he is talking about कि वो वहां पर जेलेसी की वजह से उसको नीचा दिखाता है, लेकिन उसका ऑपोजिट होगा पॉजिटिव वर्ड विच इज कॉल्ड लॉडिंग, अप्लॉड करना, तारीफों के पुल बांधने। प्लीज एक्सप्लेन मी, इट शुड बी वन, मुझे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन टू मी नहीं। इफ इट स्नोज टुमारो वी विल गो फॉर स्केटिंग, तो यहां पर भी आंसर ए में आ गया बेसिकली, इफ इट स्नोज। नेक्स्ट, आई वॉज रियली क्रिटिसाइज बाय द एंग्री वर्ड्स ऑफ माई फादर। अब यहां पर क्या बोलना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई वॉज रियली क्रिटिसाइज, नेगेटिव वर्ड बोल रहा है, मैं क्रिटिसाइज हो गया था, नहीं कहता आई वॉज रेडी जॉल्टेड, मैं जॉल्ट हो गया था, धक्का बजा था मुझे एक। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर इन सोशल गैदरिंग। अगर फिश को आप पानी से बाहर निकाल दो वो क्या हो जाएगी सर, बहुत अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में पहुंच जाएगी। उस अनकंफर्टेबल पोजीशन को बोला जाता है फिश आउट ऑफ वॉटर, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट, ये आपके पास पैसेज आया है रीअरेंजमेंट, इसको आपने फॉर्म करना है, फॉर्म करके आपको बेसिक लाइन पता लग जाएगी। एनवायरमेंट इज द प्लेस वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट लिव इन प्रॉपर, दस से नहीं होगा, एनी लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, नहीं, फिर से बोल दी ऑल फॉर्म्स, ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली इफ एनी वन कंपोनेंट, ह्यूमन लाइफ से स्टार्ट हो गया, आर से स्टार्ट हो जाता है, आर से स्टार्ट होकर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये आरपीएसक्यू। द डेकेड ऑफ सेवेंटीज, अब देखो डेकेड ऑफ सेवेंटीज एंड इज अ नहीं of the idea, 70s of the women's, नहीं, decade of 70s saw growing acceptance. इन्होंने देखा, ये start किससे हुआ? S से start हो गया. S से start होने का exact मतलब क्या हो गया? भाई सर, S से start होने में एक ही option है, जो कि option D कहता है, तो answer क्या हो जाएगा आपका? D. What a pleasant atmosphere this place has. इसको change करिए, this का बन जाएगा that place was नहीं, has का बनेगा had, that was नहीं, That लगाया exclaimed के लिए, this place का बना that place और उसका बन गया had, absolutely correct, water नहीं, answer is C, eradication method is the best, go for the wrong answers, find a reason for the answer to be wrong, don't do any more work until you have had का बन जाएगा had, has had तो नहीं बनेगा, had चलेगा, had भी चलेगा, had भी चलेगा, her mother advised her not to do any more work, हर एडवाइस के साथ दैट नहीं लगता, एडवाइस के साथ दैट नहीं लगता, आंसर इज बी, देयर वी गो विद इट, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू।